मुझे एक सवाल ये करना है कि एक बच्ची मेरे अंडर मौजूद है उसके माँ बाप मौजूद नहीं है तो वो मैं उसकी ममानी हूँ अब ये है कि वो मेंटर हुई है तो उसके मिस उसका मिसट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा हैं फिर गुड गर्ल प्रिटेंडिंग उसमें बहुत ज्यादा है और 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 रिश्तों को मैनिपुलेट करना ये वो लर्न कर चुकी है क्योंकि उसकी लाइफ इस तरह रही है तो वो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ लेकिन इन सब में मैं कैसे रोल अदा करूँ मैं ऐसा मतलब क्या रोल करूं कि मैं उसके ऊपर नेगेटिव इम्पेक्ट ना डालू क्योंकि मेरा रिश्ता बहुत नाजुक है उसके साथ तो मैं चाहती हूं कि आप ऐसे बच्चों के बारे में बताएं जो माँ बाप से दूर हैं और किसी और के अंडर हैं तो लेकिन टीनेज से गुजर रहे हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए शुक्रिया देखिए अगर किसी टीन के साथ रिलेशनशिप नहीं बन पाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर मोहब्बत की भूख खत्म हो गई है मोहब्बत की भूख दब गई होगी खत्म नहीं हुई है और वो मोहब्बत की भूख अगर उसको लग भी रही है तो वो इसका इजहार नहीं कर पा रहा वो खुद भी इसको महसूस नहीं कर पा रहा और वो बात कहीं दब सी गई है लेकिन फैक्ट यह है रियलिटी यह है कि मोहब्बत की भूख उसको लगी हुई है तो कोई ऐसा इंसान जो उसे जज नहीं करे जो उसको अंडरस्टैंड करे अच्छा मोहब्बत की भूख भी क्या चीज़ है मैं वो भी आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं मोहब्बत की भूख उसका एक एस्पेक्ट ये है कि किसी की कुर्बत का एहसास हो किसी की सपोर्ट का एहसास हो ये उसकी एक डायमेंशन उसकी दूसरी डायमेंशन ये है कि कोई मुझे समझे यानी मुझे मुझे कोई उस तरह समझे जैसा मैं हूं मुझे कोई गलत समझे बगैर समझने की कोशिश करे बात वाजे हो रही है मतलब ये इंसान की बड़ी खाश होती है तो इसका तरीका ये है कि आप अपने आप उस बच्ची के लिए नॉन जजमेंटल हो वो बच्ची अपने आप को सेफ महसूस करे आपकी प्रेजेंस में तो हो सकता है महीने में एक दफ़ा मिले आपके पास आए लेकिन महीने में या दो महीने में भी एक मुलाकात है तो वो वो मुलाकात बहुत फुलफिलिंग है उस मुलाकात में वो बच्ची बहुत अच्छा महसूस करती है और उसको एक स्पेशल उसको ये महसूस होता है कि कोई है जो मुझे समझता है मुझे जज नहीं करता फॉर एग्ज़ाम्पल मैं छोटी सी बात अगर ये अर्ज करूं कि अगर वो बच्ची हो सकता है कोई ऐसी उसको कोई ऐसा शौक़ हो कोई ऐसी चीज उसे पसंद हो जो आपको पर्सनली पसंद नहीं है तो आप उस बच्चे को जज भी नहीं कर रहे जिसको वो शौक है लेकिन आप उसे उस बच्चे को ये पता है कि अंकल को या आंटी को या बाजी को ये बात पसंद तो नहीं है या मेरी ममानी को यह बात पसंद तो नहीं है लेकिन मैं अगर ये काम कर रही हूँ तो वो जज भी नहीं कर रही और वो इस बात के ऊपर और हमारी उनसे बात होती है और वो मुझे इस बात के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताती हैं और असल में होगा ये कि जब वो इंसान इस तरह के तल्ल में आता है जब कोई उस पर ट्रस्ट करता है जज नहीं करता वो किसी की प्रेजेंस में महफूज तस्वुर करता है और इस इस मुलक इस ताल्लुक को जो काम करने की ज़रूरत होती है वो सिर्फ ये होती है कि वो उसका एक रिफ्लेक्टिव प्रोसेस एक्टिवेट कर दे तो फिर वो खुद सोचता है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ मुझे ये काम क्यों करना चाहिए इसकी रीजन क्या है और फिर वो चीज़ें खुद खुद ठीक होती हैं तो अभी बहरल इस बच्ची को जैसे मैंने समझने वाली बात कही थी ना कि ये क्या क्यों चाह रही है ये क्या क्यों कर रही है इसका कोई ऐसा जवाब जो इसको बुरा भी ना लगे और उसकी मतलब कोई उसमें डेप्थ भी हो इसकी रीजनिंग भी हो ऐसी चीज आप समझने की कोशिश करें तो एक मेंटी रिलेशनशिप बन सकता है आप वो वाला काम नहीं कर सकेंगी जो माँ कर सकती है क्योंकि माँ तो रोजाना होती है माँ का तो एक अलग रोल है लेकिन आप बहल एक बच्ची की आंटी की हैसियत से या मुमानी की हैसियत से बहुत अपना एक एज अ अटोर आप बहुत कुछ फिर भी कर सकती हैं इनशाला uh, so इसी के आ, सवाल के की तरह ही था लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ ये था कि अगर आप फॉर इंस्टेंस बच्चे में आपका एक स्ट्रा का रिलेशनशिप बना हुआ है जिससे पेरेंट्स का होता है कि बच्चा आपकी बात सुने